सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक राजेंद्र राणा ने बीजेपी सरकार पर भेदभावपूर्ण राजनीति करने का आरोप लगाया है। राजेंद्र राणा ने आरोप लगाया है कि सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र में पिछली सरकार के समय में दर्जनों स्वीकृत कामों को रोकने की कोशिश करने के साथ साथ ठेकेदारों पर दबाव बनाया जा रहा है। राणा ने दो टूक शब्दों में कहा कि बीजेपी के नेता भेदभाव और ओछी हरकतें करना छोड़ दें, अन्यथा सुजानपुर की जनता सड़कों पर उतरकर इसका विरोध करेगी। पत्रकार वार्ता के दौरान राजेंद्र राणा ने कहा कि सुजानपुर में स्वीकृत कार्यों के लिए हो रहे भेदभाव को आगामी विधानसभा सत्र में भी उठाया जाएगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी नेता ऐसा करना बंद करे, नहीं तो सड़कों पर उतरकर विरोध किया जाएगा। देखिए, मुझे आज जो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि सुजानपुर चुनाव क्षेत्र में पिछली सरकार में माननीय राजा वीरभद्र जी के नेतृत्व में जो सरकार रही, उसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट जो है स्वीकृत हुए हैं और जिनके फाउंडेशन हो गए हैं, बजटरी प्रोविजन हो गया है, पैसा आ चुका है, टेंडर हो चुके हैं। उन कामों को भी रोकने की कोशिश की जा रही है, काम बंद करवाए जा रहे हैं, टेंडर कैंसिल करवाए जा रहे हैं। मैंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि जो पिछली सरकार ने प्रोजेक्ट सैंक्शन किए हैं, पैसा सैंक्शन किया है, जो लोग उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं वो इस काम को बंद करें, और जो अधिकारी जो हैं वो पॉलिटिकल प्रेशर में आके कामों को रोक रहे हैं वो भी इसको सुधार लें। और ये जो मामला है, इसको तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री को भी लिखा है कि ऐसे ऐसे जो काम, जो ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट जो हमारे सैंक्शन हुए थे, पैसा सैंक्शन हो गया था, काम शुरू हो गए थे, उनको रोकने की जो कोशिश की जा रही है उसको बंद करवाया जाए और अधिकारियों को निर्देश दिए जाएं कि जो पैसा स्वीकृत है उसको, उन कामों को किया जाए। ये जो भेदभाव की या ये इस तरीके की ओछी हरकतें जो अपनाई जा रही हैं, इसका हम डटकर विरोध कर रहे हैं। और आने वाले समय में हमने कहा है कि चेतावनी दी है कि अगर सरकार इस तरीके से विभाग जो है वो काम करेंगे और कुछ पॉलिटिकल प्रेशर में आके काम करेंगे और कुछ पॉलिटिशियन ऐसा काम करने की कोशिश करेंगे तो डटकर हम लोग सड़कों पर उतर के इसका विरोध करेंगे। हम चाहते हैं कि सभी जगह विकास हो, परंतु सुजानपुर में जो प्रोजेक्ट सैंक्शन हो गए हैं उनको रोकने की कोशिश की जा रही है, इसका हम विरोध करते हैं और इसको विधानसभा में मैं उठाने वाले हैं और इसका हम जवाब लेंगे। वहीं राजेंद्र राणा ने कहा कि सुजानपुर के समय काफी कार्यकर्ता दिन में बीजेपी और रात को मेरे साथ होते थे, जिनका आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोगों ने मेरी मदद की है, जिनका मैं ऋणी रहूंगा। देखिए, ऐसा है कि मैंने ये बात कही है कि कुछ ऐसे भी लोग थे जो दिन को भारतीय जनता पार्टी के साथ होते थे, रात को मेरे से भी मिलते थे। मैंने कहा है कि जिन लोगों ने बड़े लंबे समय से उम्मीदें लगा के बैठे थे, मनसा उनके मन, मतलब उनके दिल में अरमान थे कि हमारा भी कभी नंबर आएगा, तो ऐसे कई चीजें होती हैं, ऐसे लोग मदद करते हैं और मेरी मदद की है, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। जिन जिन लोगों ने मदद करी है मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। और इस चुनाव को जिताने में ना केवल एक सेक्शन का, बल्कि बहुत सारे सेक्शंस हैं, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मदद करी है। नौजवानों का सहयोग रहा है, महिलाओं का सहयोग रहा है, फौजी भाइयों का सहयोग रहा है, मेरे ऐसी भाइयों का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है, सबने मिलकर मेहनत करी है, मैं उनका सबका धन्यवाद करता हूँ।